हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ बिग्नेस। वेलकम करता हूँ और एक न्यू वीडियो में कामेश्वर जो तब से वेलकम करता हूँ और एक न्यू वीडियो में आज मैं हीरो जो ग्लैमर है BS6 का हम रिव्यू लेंगे। जो 3D का जो स्टिकर है इसमें हम इसका रिव्यू लेंगे और कौन सा चेंजेस हुआ है इसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हीरो से रिलेटेड गाड़ी का सब वीडियो बनाता हूँ। आपका मेरा वीडियो जो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ग्लैमर का जो एक्सटेक आया है इसका मैंने एक रिव्यू लूँगा और नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो इसका स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्लैमर का 3D लुक आया है नया मॉडल, इसका हेडलाइट का देखिए ये वाला। यहाँ पे देखिए हीरो का एक 3D का लोगो आ रहा है, यहाँ पे भी हीरो लिखा हुआ है। इसमें भी कुछ नॉर्मल ग्लैमर से कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। और उसके बाद इसका जो अपना अलॉय व्हील है, ये क्रॉस अलॉय व्हील का सिस्टम था वैसा ही है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर है, जैसा आता था वैसा ही आता है। इंडिकेटर भी वैसा है, कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। और उसके बाद चेंजेस जो हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पे हुआ है। ये वाला पूरा ग्लैमर का स्टिकरिंग वाला आता था, अभी इसमें ये 3D का लुक आ रहा है। यहाँ पे देखिए ग्लैमर पूरा लिखा होता है, इस साइड पे भी आ रहा है, उस साइड पे भी आ रहा है। और उसके बाद जो उससे भी एक अच्छा चीज़ चेंज किया गया है, इसका जो स्टिकरिंग का सिंबल है दोस्तों, देखिए ये वाला कितना अच्छा लुक दे रहा है, इसको स्पोर्टी लुक दे रहा है, मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक का लुक दे रहा है। और उसके बाद हम इसका दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ग्लैमर यहाँ पे 3D लुक में आया है। देखिए दोस्तों, पूरा 3D का लुक है इसका। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, मल्टी कलर का स्टिकरिंग, स्पोर्ट्स मतलब गाड़ी का लुक जो है वो स्पोर्टी होगा, इससे गाड़ी का लुक बहुत स्पोर्टी हो जाता है। उसके बाद इंजन सेक्शन में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है, जैसा था वैसा ही है। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है, इसका जो ग्लैमर के मतलब पहले स्टिकर था, अभी इसको देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा लुक दिखा रहा है इसमें। इससे गाड़ी को चलाने वाला का भी लुक अच्छा दिखता है और एक जेन्युइन लुक देता है गाड़ी को। ऐसा नहीं है कि दूसरे गाड़ियों के जैसा ही आ रहा है, ये पहली बार हीरो में आया है ये 3D लुक वाला ग्लैमर। और उसके बाद इसका वायरिंग सेक्शन में देख सकते हैं दोस्तों, कुछ चेंजेस ज़्यादा हुआ नहीं है, बस थोड़े बहुत मतलब इंसुलेशन ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। जहाँ पे कम इंसुलेशन थी, यहाँ पे देखिए दोस्तों इंसुलेशन कितना ज़्यादा है वायरिंग को, मतलब 2-3 लेयर का इंसुलेशन इसके ऊपर दिया गया है। और साइलेंसर का जैसे ही 3 गार्ड आता था, ये वाला पॉल्यूशन फिल्टर का गार्ड है, ये वाला सेफ्टी गार्ड है साइलेंसर का। और उसके बाद ये वाला इसका साइलेंसर का मेन साइलेंसर का पार्ट का जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे ये एक सेफ्टी के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये वाला गार्ड भी जैसा था वैसा ही है। और इसका जो हम लोग ये और एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें भी देखिए स्पोर्टी लुक के लिए आया है ये वाला कलर, मल्टी कलर का एक स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पे भी हीरो लिखा गया है। और ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, रियर ग्रिप जैसा था वैसा ही है, अलॉय व्हील जैसा था वैसा ही है, पीछे एक रिफ्लेक्टर आ रहा था अभी भी आ रहा है। और बाकी कुछ चेंजेस इसी में हुए नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये वाला है, ये वाला सबसे अच्छा दिख रहा है इसीलिए क्योंकि ये वाला स्टिकर मल्टी कलर का स्पोर्टी लुक आ रहा है और उसके बाद ये ग्लैमर का 3D लुक आ रहा है। ये एक अच्छा चीज़ है जो हीरो की तरफ से बनाया गया है। और क्लस्टर मीटर भी जैसा था वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हीरो से रिलेटेड किसी भी गाड़ी का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए, ये नया चैनल है हमारा, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में कुछ अगर ज़्यादा देखना चाहते हैं या फिर किसी भी गाड़ी का कुछ रिव्यू माइलेज वगैरह टेस्टिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, बंद करो।